कम से कम झूठे मुंह ही सही, सभी को एक बार थैंक्स तो बोल दीजिए। आज सभी की वजह से हमारा राकिया जेल जाने से बच गया, वरना जो इल्जाम लगा था ना इस पे, कम से कम उम्र कैद की सजा होती। जख्म देकर उसके ऊपर मलहम लगाने वाले को शुभचिंतक नहीं कहते। जो भी कुछ हुआ है ना, इसी लड़की की वजह से हुआ है। अगर ये हमारी जिंदगी में नहीं आती, ये सब नहीं होता। जहां भोसले परिवार को चैन की सांस आती है, ईशान को सही सलामत वापस पाकर भंवर पाटिल के चंगुल से छूटकर, वहीं अब चिन्मय भी बड़े ही प्यार से सवी को बोलता है कि सवी सावित्री की तरह अपने ईशान को बुरी नजर से बचा रखी और मौत के मुंह से निकालकर अपने ईशान को पत्नी धर्म निभाया है सभी ने। और ये भी बोलता है कि अगर उसकी बेटी हुई तो वो चाहेगा कि वो बिल्कुल सभी जैसी ही बने, पर राव साहब को अब भी सभी से नफरत है और वो उसके खिलाफ जहर उगलते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते उसे नीचा दिखाने के लिए। और सुरेखा अब चिन्मय की बातों से रीवा की ओर इशारा करती है कि अब उन्हें अपने घर चले जाना चाहिए, पर रीवा सभी का एहसान नहीं भूल सकती कि कैसे उसने अपनी जान पर खेलकर उसके ईशान को बचाया है और सभी को थैंक यू बोलती है और अपने शादी के सपने लिए खुश होती है कि अब कोई नहीं आएगा बीच में उसके और ईशान के। पर सभी को कुछ चाहिए ईशान से, जो सभी एक अंतिम बार के लिए ईशान सर से बात करना चाहती है रीवा से परमिशन मांगकर, पर आखिर वो क्या है? और ईशान जो अब तक कुछ बोल ही नहीं पाया है, सभी की ओर देखता है कि जो सभी इतनी निस्वार्थ और निडर है वो क्या ही मांगेगी ईशान से। पर उसने अपनी परवाह और प्यार को कभी नहीं छुपाया ईशान से और ईशान उसका हमेशा आभारी ही रहेगा। आपसे एक इजाजत चाहिए मैम। हाँ बोलो। क्या मैं ईशान सर से अकेले में बात कर सकती हूँ? आखिरी बार ठीक है। काश वो समय रहते सभी को अपना सकता, पर क्या ये दुनिया वालों को मंजूर होगा? और क्या सभी अपने ईशान सर के लिए वादे को बखूबी निभाएगी एग्जाम्स देकर और हाईएस्ट स्कोरर बनकर भोसले इंस्टीट्यूट की आन बान और शान बनेगी सभी? पर भंवर अब भी क्या अपने लपेट में लेगा सबको? और जो सभी उसकी नहीं हुई, क्या वो किसी और का होने देगा भंवर? आखिर सभी और ईशान के बीच कहां से आ गया ये भंवर जो मंडराता ही रह गया चारों ओर? पर सभी भी पीछे नहीं अपने ईशान सर को बचाने में। तो आगे आखिर क्या होने वाला है गुम है किसी के प्यार में कि ये नाजुक सी मोड़ में? देखते रहिए सभी की बलिदान अपने ईशान सर के खातिर। कहाँ हो? वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे।